दिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों से। नमस्कार, मैं प्रियांशी जैन और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। योगी आदित्यनाथ लेंगे आज मुख्यमंत्री पद की शपथ और तोड़ेंगे कई रिकॉर्ड। केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा फिर बन सकते हैं डिप्टी सीएम। पेट्रोल और डीजल के फिर बड़े दाम, तेल कंपनियों ने 80 पैसे से फिर महंगा किया पेट्रोल। 4 दिन में 2.40 रुपये तक बढ़ चुके हैं दाम। साहिबगंज से मनिहारी जा रहा स्टोन ट्रक लोड मालवाहक जहाज गंगा में डूबा, कई ड्राइवर और खलासी हुए लापता। चीन के विदेश मंत्री वांग यी गुरुवार को पहुंचे भारत, आज एस जयशंकर से होगी मुलाकात। भारत और चीन के रिश्ते को पटरी पर लाने की दोनों करेंगे कोशिश। यूक्रेन युद्ध में नाटो सीधे दखल नहीं देगा, यूक्रेन के पड़ोसी देशों में होंगे लड़ाकू दस्ते तैनात। वहीं बाइडेन ने भी पुतिन को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर यूक्रेन पर केमिकल हमला किया तो रूस को जवाब देगा अमेरिका। पाकिस्तानी सियासत में आर्मी की दखल, पाकिस्तानी आर्मी चाहती है कि पाकिस्तान में मिली जुली सरकार बने, तो वहीं इमरान खान को विपक्षी नेताओं के चेहरे से भी नफरत है, इसी के चलते इमरान की सरकार गिर सकती है। महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी सीएसके की कप्तानी और किया है रविंद्र जडेजा को आगे। इस पर रविंद्र जडेजा बोले कि कैप्टेंसी की टेंशन नहीं है, माही मैदान पर रहेंगे, पहले भी उनके पास जाता था और अब भी उनके पास ही जाऊंगा। शाहीन अफरीदी ने लिया डेविड वार्नर से पंगा। तीसरे टेस्ट मैच के दौरान अफरीदी की बॉल पर जब वार्नर ने शॉट लगाया तो लगा कि दोनों के बीच में भिड़ंत होने वाली है, परंतु अंत में दोनों हंसने लगे। इन दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। हीरोपंती 2 के म्यूजिक इवेंट में लाइव परफॉर्म करेंगे एआर रहमान। ये फिल्म ईद के मौके पर 29 अप्रैल को रिलीज हो रही है, इसी के चलते तारा सुटारिया और टाइगर श्रॉफ कर रहे हैं जमकर प्रमोशंस। आरआरआर ने रिलीज होने से पहले ही रच दिया है इतिहास। 60 करोड़ रुपए की हुई है एडवांस बुकिंग, 800 करोड़ रुपए तक कमाने वाली पहली इंडियन फिल्म बनी है। तो कैसी लगी आपको ये खबरें, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो करें। हम लेते हैं आपसे अलविदा, कल मिलेंगे इसी समय पर।